हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में गाइस, आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया, थंबनेल में देख लिया कि आई एम गोइंग टू शेयर अ रेसिपी ऑफ आलमंड पीज। इससे हम लोग गाइस एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस स्वीडिश बनाने जा रहे हैं। एंड आलमंड पील गाइस, इट इज फुल ऑफ आयरन, तो ये बच्चों को बहुत टेस्टी भी लगती है एंड बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है ये स्वीडिश। तो बिना किसी देरी करे हम लोग फटाफट से देख के आते हैं कि ये आलमंड पील की मैंने स्वीडिश कैसे बनाई है। और गाइस, अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को मालूम होगा मैंने अपने चैनल पे एक आलमंड मिल्क की रेसिपी अपलोड करी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उस रेसिपी का लिंक दे दूँगी। और उसमें से जो पील्स बचे थे गाइस, आई टोल्ड यू देयर इन दैट वीडियो कि मैं उसकी एक रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, हाउ टू मेक आलमंड पील स्वीडिश। तो गाइज, अब हम लोग देख के आते हैं कि वो रेसिपी हम लोग कैसे बनाएंगे और फटाफट से चलते हैं पहले किचन में एंड वी आर गोइंग टू मेक इट टुगेदर। सो लेट्स गो। गाइज, आप लोगों ने देखा, इट वॉज सच अ सिंपल रेसिपी ऑफ आलमंड पील्स। आलमंड पील से हमने कैसे फटाफट से एक स्वीडिश बना दी और आपके बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी क्योंकि मेरे बच्चे भी दे जस्ट लव ईटिंग इट। एंड ये पील्स मैंने गाइज एक रेसिपी शेयर करी थी अपने चैनल पे आलमंड मिल्क की, तो वो अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हाउ आई हैव मेड इन अ वेरी सिंपल वे आलमंड मिल्क। उसके जो पील्स बचे थे उससे मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है गाइज। और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी अनदर वीडियो विथ सम डिफरेंट कॉन्टेंट। एंड प्लीज़, इफ़ यू आर न्यू हेयर तो सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। बाय।